News। अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में होगा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल, 14 नवंबर से होगा ट्रायल पर काम शुरू। अलीगढ़ आरटीओ कार्यालय के बाहर बने मार्केट में 5 हमलावरों ने एक युवक को निशाना बनाते हुए गोली चलाई, लेकिन गोली एक दूधिया को जा लगी। इसके बाद फिर हमलावरों ने फायरिंग की। संबल गुन्नौर थाना पुलिस ने अवैध शराब बनाते 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। संबल त्योहार के मद्देनजर संबल में सतर्कता बढ़ा दी गई है, पुलिस ने बाजार में पैदल फ्लैग मार्च किया है। लखनऊ 2 दिवसीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन आज। सावा रामपुर मोहल्ला हकीमान श्री राम जूनियर हाई स्कूल ने भी विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष की देखरेख में जयंती मनाई। बदायूं महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर स्मिता जैन के निर्देशन में आयोजित किए गए राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर बन्ना ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जीवन परिचय देते हुए छात्राओं को संबोधित किया। पटवाई थाना तहसील सावात के अंतर्गत ग्राम मदारपुर में सिद्ध समाधि स्थल मणि के प्राचीन शिवालय में शंकर भगवान की प्रतिमा की स्थापना की गई। उप जिलाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में हुआ संग्रह अनुसेवक का विदाई समारोह, बड़े ही धूमधाम से परिवार के बीच मनाया गया। सोरो उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं है तुलसी जन्म स्थान निर्धारित करने का हक, भूपेश शर्मा। कासगंज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर सौंपा ज्ञापन। बिहार की जनता से मायावती की अपील, बसपा गठबंधन को भी एक मौका दें ताकि विकास कार्य कर सकें। दिल्ली में सामने आए कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले, 24 घंटे में 5062 नए केस। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा उत्तर प्रदेश में न दलित उत्पीड़न रुक रहा है और न ही अपराध रुक पा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी समाधि पर शक्ति स्थल पर पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिवर्सिटी के निकट नव निर्मित आरोग्य वन एकता मॉल और बच्चों के लिए पोषक पार्क का उद्घाटन किया। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लेकर किया खुलासा, कहा चुनाव के बाद जेडीयू पलटेगी पासा। प्रदेश की जनता के असली गद्दार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, ज्योतिराज सिंधिया। सिंधिया जी शेर हैं, शेरनी के पोते हैं सुश्री उमा भारती। एमपी उपचुनाव प्रचार में आखिरी दिन कांग्रेस मंत्री तोमर ने फिल्मी कलाकारों के साथ किया रोड शो। गूगल की 5 महत्वपूर्ण टिप्स जो आपको अवश्य जानने चाहिए। अभियान आरबीआई कहता है कि प्रभाव का आकलन कराएगा रिजर्व बैंक। भारत बायोटेक 2021 की दूसरी तिमाही में पेश करेगी कोविड टीका और वैक्सीन। अक्टूबर में मारुति की बिक्री 18.9% बढ़कर 182,448 इकाई पर पहुंची। 7 महीने बाद कल के उत्तराखंड के स्कूलों में होगी पढ़ाई, 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स को अनुमति मिलेगी कॉलेज जाने की।